हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास रेडमी नोट 7 फ़ोन आया है, वो कम्प्लीटली डेड कंडीशन में है। तो टेक्नीशियन भाई ने मेरे को बताया था कि हमने इसका सीपीयू, ईएमएमसी, पावर वगैरह सब काम कर लिया है, फिर भी ये डेड कंडीशन में है। तो आज हम इसमें चेक करेंगे कि एक्चुअली इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से फ़ोन हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो जैसा कि हमने इसको चार्जिंग पे लगाया तो 0.1 फ्लैक्चुएसन हो रहा है, और बैटरी को रिमूव किया फिर भी हमारा 0.1 पे फ्लैक्चुएसन हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी शॉर्टिंग का इश्यू है। तो आज हम इसको फॉल्ट को फाइंड करेंगे कि हमारी कौन सी लाइन में शॉर्टिंग है, कहाँ पे दिक्कत है। ये जो शॉर्टिंग है फ्रेंड्स, वो एक तरीके से थोड़ा मुश्किल भी है, थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो आज हम इसमें फॉल्ट को फाइंड करेंगे, और यहाँ पे सीपीयू, ईएमएमसी, पावर वगैरह सब कुछ पहले से काम किया हुआ है, वो मेरे को बताया था उस भाई ने। तो चलिए आज हम कोशिश करते हैं इसको ठीक करने की, और ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से फॉल्ट को फाइंड हम करते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी कंडीशन देख लिया, तो चलिए हम वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ, फिर बाद में कमेंट मत करना। तो यहाँ पे देखिए, इसका पावर भी चेंज है और इसका सीपीयू, ईएमएमसी वगैरह सब रिबॉल किया हुआ है। ये पीएमआई भी रिप्लेसमेंट है या फिर रिबॉल है। तो चलिए सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो आप देखिए। हम यहाँ पे पहले कूल टेस्टिंग बाद में करेंगे, पहले इसकी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर बैटरी को नहीं लगाएंगे, ओनली चार्जिंग को कनेक्ट करेंगे, और सबसे पहले हमारी एलडीओ लाइन, बक लाइन को हम चेक करेंगे। हमारी बक लाइन की वोल्टेज हमारी 0.6-0.8 की सप्लाई हमारी आनी चाहिए, वो एक बार हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे की क्या प्रोसेस है वो हम आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ पे मल्टीमीटर हमने 20 वोल्ट पे सेट करके रखा है, और एक प्रोड हम ग्राउंड रखेंगे। बैटरी को डिसकनेक्ट रखा है, कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर हम चेक करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ पे वीबेट पे, वीपीएच पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारी वोल्टेज फ्लैक्चुएसन हो रहा है। फ्लैक्चुएसन होने का दो रीज़न हो सकता है। कई बार आप जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आपकी फ्लैक्चुएसन रहेगा, जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो आपका फ्लैक्चुएसन चला जाएगा। लेकिन इस फ़ोन में फ्रेंड्स हमारी कहीं ना कहीं शॉर्टिंग का इश्यू है, वो मैंने रीडिंग देख के पहले बता दिया था आपको कि हमारी कहीं ना कहीं शॉर्टिंग का इश्यू है। हमारी एलडीओ बक लाइन पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आरटीसी क्रिस्टल पे हमारी 1.7 3.7 आनी चाहिए, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज ड्रॉप डाउन है, 0.5 के करीब हमारी आरटीसी पे आ रहा है। तो चलिए एक बार हम एलडीओ पे चेक करते हैं हमारी सीपीयू वाली लाइन पे। सीपीयू वाली लाइन पे यहाँ पे 0.6 या 0.8 की हमारी सप्लाई आनी चाहिए, वो भी ड्रॉप है। तो चलिए एक हम इसके बैक साइड आते हैं, और बैक साइड की क्या वोल्टेज है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसको बोर्ड को थोड़ा कनेक्ट किया हुआ है चार्जिंग, हमने मल्टीमीटर हमने 20 वोल्ट पे सेट किया है। ये वाली यहाँ पे बक कॉइल पे हम वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ से हम इसको चेक करेंगे सप्लाई को। देखिए फ्रेंड्स, 0.0 आ रहा है, मतलब कि हमारी एलडीओ लाइन कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, बक लाइन, एलडीओ लाइन। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, कोई भी पावर नहीं है, वोल्टेज नहीं है। वीपीएच हमारी एलईडी लाइट सेक्शन सब ओके है, मतलब कि आपकी आउट सप्लाई नहीं बन रही है, इन सप्लाई तो आ रही है। आउट सप्लाई में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग का इश्यू है। तो चलिए अभी हम चेक कर लेते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है, और सबसे पहले हम कहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। एक बार हम इसकी जीआर चेक कर लेते हैं कि जीआर का क्या कंडीशन है, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो चलिए अभी हमने मल्टीमीटर बीप मोड में रखा है, और हम यहाँ पे बक सप्लाई, बक ऑयल पे, और सभी हमारी एलडीओ लाइन सभी हम जीआर चेक करेंगे, उसकी क्या कंडीशन है। उसके बाद थोड़ा आगे हम सोचेंगे कि कौन से सेक्शन में हमें काम करना है। तो चलिए यहाँ पे मल्टीमीटर बीप मोड में जीआर हमारा सही आ रहा है। यहाँ पे ये लाइन तो हमारा शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है जीआर पे, वोल्टेज पे ड्रॉप डाउन है। यहाँ पे वीपीएच की बात करें तो यहाँ पे भी इसकी जीआर ओके,
और यहाँ पे LDO चेक कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, कम्प्लीटली बीप आ रहा है, कोई भी रीडिंग नहीं है, 0-0 आ रहा है, मतलब कि फुल शॉर्ट लाइन है ये हमारी। तो ये लाइन फ्रेंड्स हमारी डायरेक्टली आप समझ लेना, ये जो कंपोनेंट सीधा आता है वो डायरेक्टली CPU से इसकी सप्लाई आती है। तो कहीं ना कहीं हमारे CPU से दिक्कत हो सकता है, पहला पॉइंट हमारा यही है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमारा कोई अदरवाइज कोई लाइन शॉर्टिंग है या फिर नहीं है। तो फ्रंट साइड हमने इसका कुल टेस्टिंग में हमें यह पता चला कि हमारी ये जो लाइन शॉर्टिंग है वो हमारी CPU से है। पहला ये हमें GR चेक किया तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम शो हुआ। तो अभी हम दूसरा स्टेप चेक करेंगे कि ये हमारा CPU वाला लाइन शॉर्ट है या फिर अदरवाइज कोई और लाइन शॉर्ट है। उससे पहले हम ID थर्मल भी चेक कर लेंगे कि वहाँ पे कोई इश्यू है या नहीं है। देखिए ID थर्मल सब ओके है, यहाँ पे इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसके बैक साइड आते हैं, यहाँ पे इसकी GR चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा LDO यहाँ पे बक लाइन हमारी शॉर्ट आ रही है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी फुल शॉर्ट है। ये इस साइड आपकी CPU से प्रॉब्लम है, इस साइड की आपकी लाइन आए तो आपको पावर से दिक्कत है। मतलब कि अभी ये कोयल है तो आपको बीप दोनों साइड आएगी। तो मैं आपको फिर से चेक करवा देता हूँ। ये लाइन है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है फ्रेंड्स, ये भी फुल शॉर्ट आ रहा है। तो अभी हमें ये सोचना है कि हमें काम करना है तो कहाँ करना है। देखिए ये जो पावर वाली लाइन है डायरेक्टली पावर से आती है इसके सप्लाई, ये दो लाइन हमें पता चला। बैक साइड आए तो हमारी यहाँ पावर के साइड में एक हमारा कंपोनेंट शॉर्ट आ रहा है। ये लाइन फ्रेंड्स हमारी पावर IC से आती है, अगर ये लाइन शॉर्ट हुई तो हमारा CPU की लाइन भी शॉर्ट आपको दिखाई देगी। तो हमें सबसे पहले कौन सा काम करना है, हमें एक बार पावर को उठाना है। पावर उठाने के बाद हमें इसकी GR चेक करनी है, अगर वहाँ पर आपकी GR सही आई तो आपको CPU को उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम पावर IC को रिमूव करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पावर IC को रिमूव कर दिया है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारी लाइन शॉर्ट आ रही थी CPU वाली लाइन, उसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी भी हमारी फुल शॉर्ट लाइन है ये। तो हमने पावर इसकी वजह से उठाया सबसे पहले, क्योंकि ये लाइन है फ्रेंड्स, पावर से भी इसकी सप्लाई आती है। तो यहाँ पर हम इसकी सप्लाई चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी अभी फुल शॉर्ट है, मैं प्रोड थोड़ा सही से रखा। तो इसका रीज़न हो सकता है फ्रेंड्स कि हमारा CPU से कोई दिक्कत हो। तो उससे पहले एक बार यहाँ जो हमारा दो कंपोनेंट से जो शॉर्ट आ रहा है इसको रिमूव करके एक बार हम इसकी GR चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पे रिमूव करने के बाद भी हमारी फुल शॉर्ट आ रहा है हमारा पहला जो कैपेसिटर है, तो अभी हम यहाँ पर डायरेक्टली CPU को रिबॉल करेंगे। तो चलिए इन कंपोनेंट्स को हमने निकाल दिया और यहाँ पे हम एक बार GR को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स अभी यहाँ पे भी हमारी फुल शॉर्ट लाइन आ रही है, मतलब कि अभी हमें CPU को कंपलसरी रिबॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन है फ्रेंड्स CPU से है। तो चलिए हम CPU की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। Thank you.
फाइनली फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सीपीयू को रिबॉल कर दिया है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर लगाने से पहले एक बार हम जो हमारी पहले बक लाइन शॉर्ट आ रही थी एलडीओ लाइन, उसको हम चेक करेंगे, उसकी जीआर चेक करेंगे, उसके बाद हम पावर को लगाएंगे। तो हमें थोड़ा पता हो जाएगा कि हमने जो सीपीयू लगाया है हमारा सीपीयू शॉर्ट हो गया या फिर हमारी पहले से जो सीपीयू रिबॉल किया था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। तो चलिए यहाँ से एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जीआर अभी कम्प्लीटली आ चुकी है, मतलब कि हमारी एलडीओ लाइन जो शॉर्ट थी वो कम्प्लीटली सोल्व हो चुकी है। तो एक बार हम बैक फ्रंट साइड आते हैं और हमारे जो ये 0.8 की लाइन थी उसको हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे भी जीआर अभी हमारी कम्प्लीटली आ चुकी है। तो हमारा जो प्रॉब्लम था फ्रेंड्स हमारी लाइन शॉर्टिंग का, वो यहाँ से सोल्व हो चुका है। तो चलिए अभी यहाँ पर पावर एसी को लगाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हमारी एलडीओ लाइन शॉर्ट थी वो यहाँ से शॉर्टिंग अभी रिमूव हो चुकी है कम्प्लीटली और हमने पावर को भी रिप्लेस कर दिया है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी जो पहले डेड कंडीशन में फ़ोन था वो सोल्व हुआ है या फिर अदरवाइज़ कोई इश्यू है। तो यहाँ पे हम बैटरी को कनेक्ट करते और यहाँ पर चार्जिंग को लगाते और देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पे रेडमी लिखा हुआ आ चुका है और बैटरी का सिंबल आ चुका है। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं क्या इश्यू है क्या नहीं है। देखिए अभी रेडमी फिर से आ चुका है, ऑटो रिस्टार्ट हो रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है। थोड़ी देर वेट करते हैं क्या इश्यू है। देखिए फ्रेंड्स ऑटो रिस्टार्ट इस फ़ोन में अभी हो रहा है। तो हो सकता है इसकी बैटरी का कोई प्रॉब्लम हो। तो मेरे पास एक नोट 7 प्रो है, इसकी बैटरी से एक बार इसको चेक कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कहीं अदरवाइज़ कोई इश्यू है या नहीं है। तो हम डायरेक्टली इस बैटरी को यहाँ से कनेक्ट करके आपको चेक करवा देते हैं कि क्या हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो रहा है या फिर कोई अदरवाइज़ इश्यू है थर्मल में या फिर ईएमसी में। तो देखिए फ्रेंड्स अभी रेडमी लिखा हुआ आ चुका है, तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमारी एलडीओ लाइन शॉर्ट थी, हमने कैसे इसको ट्रेस किया, कैसे आपको डीपली में समझाया विदाउट डायग्राम से। तो इन केस कोई भी आपके पास कॉल फ़ोन आ जाए ऐसा, तो आपको कुछ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना है। डायरेक्टली सीपीयू मेमोरी पे अटैक करना सही बात नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स फ़ोन हमारा कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो आपके पास कोई भी ऐसा फ़ोन आए तो आपको कुछ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो आज के लिए बस इतना ही था फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी वीडियो आपके डेली लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यहाँ पर आपको फिर से बोर्ड की कंडीशन चेक करवा देता हूँ, हमारा वही बोर्ड है, यहाँ से इसका सील थोड़ा कटा हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ।